खेलकूद के मैदान के लिए बच्चे तरसे, गंदगी का लगा है अंबार, आए दिन बच्चे पड़ जाते हैं बीमार। पूरा मामला है ब्लॉक नारकी के ग्राम पंचायत आतिपुर का, जहां भारत सरकार एक तरफ स्वच्छता अभियान चला रही है तो वहीं विकास खंड नारकी और ग्राम प्रधान लगा रहे हैं इस अभियान को पलीता। जी हां, उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के ग्राम पंचायत आतिपुर में क्रीड़ा स्थल को बना दिया है कूड़ा स्थल, जिसकी वजह से चारों तरफ काफी गंदगी फैली हुई है और लोगों का कहना है कि बच्चों के लिए कहीं पर खेलने की जगह नहीं है। गांव के नन्हे मुन्ने बच्चे इस मैदान में खेलने आते हैं तो गंदगी की वजह से बीमार पड़ जाते हैं। गांव के लोगों की माने तो इसकी कई बार शिकायत ग्राम प्रधान और विकास खंड से भी की गई है, जिसको लेकर शासन व प्रशासन के समक्ष अधिकारियों द्वारा आकर देखा गया और इसकी जाँच भी की गई, लेकिन कोई भी सख्त कदम उठाते हुए अभी तक कोई भी साफ सफाई नहीं कराई गई और ना कोई भी अभी तक उचित कार्यवाही की गई। वहां गांव वालों का कहना है कि इस क्रीड़ा स्थल मैदान में कुछ लोगों द्वारा अवैध कब्जा भी कर रखा है, जिसके चलते कोई सुनवाई नहीं होती है और ना ही इसे खाली किया जाता है। अब देखना यह है कि क्या सरकार के स्वच्छता अभियान को अधिकारियों द्वारा निभाते हुए साफ सफाई कराई जाएगी या फिर कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। नाम क्या है? मेरा नाम मनीष प्रताप सिंह है। क्या समस्या है? समस्या ये है, हमारे गाँव में प्राइमरी स्कूल है, एक जूनियर स्कूल है, एक मंदिर है, इसके सामने खेल का मैदान है। इस खेल के मैदान पर लोगों ने अवैध गंदगी डाल रखी है, कूड़े डाल रखे हैं, कूड़े के ढेर पड़े हैं, जिससे कि आए दिन पानी भरा हुआ है इसके अंदर, तो मच्छर मक्खियां पैदा हो रहे हैं, जिससे गांव के अंदर संक्रामक रोग फैल रहे हैं, बीमारियां फैलती हैं। आए दिन लोग बीमार, बुखार आ रहा है कभी कुछ। तो आप क्या चाहते हो? ये चाहते हैं कि बच्चे खेलने के लिए क्रीड़ा स्थल हो, जिससे उनका शारीरिक विकास हो, साफ सफाई हो, इसकी बाउंड्री वॉल बने। किसी आपने शिकायत की? शिकायत पहले BDO साहब को करी थी, उन्होंने साफ सफाई के लिए बोल दिया था कि 100 नंबर मिट्टी डल जाएगी, लेकिन आज तक नहीं डली। लेखपाल या सेक्रेटरी वगैरह, प्रधान वगैरह था, किसी से बोला? पहले प्रधान जी से बोला था, अब नहीं बोला। अभी नहीं बोला है। क्या विराट जादौन, क्या समस्या है आपकी? ये समस्या है, यहाँ पे खेलने के मैदान है, यहाँ पे गंदगी बहुत है, कब्जा कर रखा है यहाँ पे, और ये घर पर बना लिए हैं, यहाँ हम खेल नहीं पा रहे हैं, कहीं पे जाते हैं तो मार के भगा देते हैं। मतलब क्रीड़ा स्थल की जगह है या सरकारी जगह, क्या चीज़ है यहाँ पे? ये क्रीड़ा स्थल की जगह है। किन लोगों ने कब्जा किया है? ये उधर के लोगों ने कब्जा कर लिया है। मेरा नाम अनुज प्रताप है। ग्राम पंचायत? ग्राम पंचायत आतिपुर। क्या मामला है यहाँ पे? ये सर के यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ पे दो बीघा के आसपास होगा यहाँ पे खेलने के लिए। क्रीड़ा स्थल है मतलब? क्रीड़ा स्थल है ये? हाँ, ये जूनियर स्कूल है, यहाँ पे इसके सामने ग्राउंड पड़ा है ये बच्चों के लिए। ये मतलब यहाँ पे बच्चा खेलने जाते, पर यहाँ पे गंदगी ज़्यादा फैली हुई है, और यहाँ पहले भी कार्रवाई करवाई गई पर लेकिन यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई है, और यहाँ पे मट्टी डलवाने का आ गया था, उन्होंने कह दिया यहाँ पे कोई कुछ नहीं कार्रवाई हुई, और इस बार यहाँ पे दोबारा ही करने जाते हैं, पर पता नहीं आ रहा। तो आपको खेलने कूदने की जगह नहीं है कहीं पर? नहीं, कहीं पर नहीं, कहीं ग्राउंड नहीं है गाँव में, तो कहीं नहीं मिल रहा अभी। यही यहाँ पे ग्राउंड है, यहाँ से यहाँ तक है, वो भी घिरा हुआ है, वो भी यहाँ पे गंदगी से भी घिरा हुआ है, गंदगी से कब्जे कर रखे हैं लोगों ने, और यहाँ पे ये मकान बहुत बन चुके हैं, और वो आंगनवाड़ी के पास भी यहाँ पे वो ग्राउंड है, तब भी वहाँ पे कोई सुविधा नहीं है। एक क्या दिक्कत है आपको यहाँ पर? ये सरकारी जगह है और सब लोगों ने घेर रखी है, और यहाँ पर भैंस बांधते हैं, और ये क्रीड़ा स्थल है, यहाँ पर खेलने आते हैं तो सब भगा देते हैं, और कहीं जाते तो डंडे मार के भगाते हैं, और इसके क्रीड़ा स्थल को कूड़ा स्थल बना रखा है। अच्छा अच्छा, इसमें काफी मैंने देखा है, इसमें भैंस भी बंधी हुई है, हाँ। कूड़ा भी पड़ा हुआ है, कर भी रखी हुई है। हाँ। सच है? हाँ। तो आप क्या चाहते हो? ये क्रीड़ा स्थल बने, खाली हो जाए, और इसमें मिट्टी डले, मैदान बने। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल चिकित्सा के क्षेत्र में मथुरा का अग्रणी हॉस्पिटल एवं पहला टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर है। IVF में 70% सफलता, स्त्री रोग विभाग में हाई रिस्क डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन, हिस्टेक्टोमी आदि बेहद अनुभवी एवं क्वालिफाइड लेडी डॉक्टर द्वारा किए जाते हैं। हड्डी रोग विभाग की एडवांस यूनिट जहां पर जोड़ प्रत्यारोपण यानी कि घुटना रिप्लेसमेंट, कूल्हा रिप्लेसमेंट, रीढ़ की हड्डी के ऑपरेशन एवं फ्रैक्चर होने पर प्लास्टर, सरिया या प्लेटिंग आदि की सर्जरी की जाती है। हर प्रकार की जनरल सर्जरी एवं दूरबीन विधि से हर प्रकार के लैप्रोस्कोपिक ऑपरेशन, बच्चों के हर प्रकार के रोगों का इलाज हॉस्पिटल NABH से मान्यता प्राप्त है। मॉड्यूलर OT एवं हाईटेक मशीनों से फिजियोथेरेपी, एम्स दिल्ली एवं CMC बेल्लोर द्वारा सर्टिफाइड पैथोलॉजी। गोपी कृष्ण हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड, ESI कार्ड, BSNL के कार्ड, रेलवे के कर्मचारियों के कैशलेस इलाज की सुविधा, लगभग सभी इंश्योरेंस कंपनियां एवं TPI कार्ड धारकों को कैशलेस इलाज की सुविधा।